बच्चों, अभी हम समानांतर चतुर्भुज के बारे में बात कर रहे हैं और इसकी परिभाषा से आपने ये समझा है कि यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं में आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समानांतर हों तब वो समानांतर चतुर्भुज होता है। और अभी आपने एक थ्योरम में ये भी देखा कि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएँ बराबर भी होती हैं, तो आपके पास दो आधार बन गए कि यदि किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तब वो चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा। और एक नई शर्त आपको और मिल जाती है, आप कह सकते हैं यदि किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं के दोनों जोड़े बराबर हों, मतलब एक जोड़े आमने सामने की भुजा बराबर हो और दूसरा जोड़ा भी बराबर हो, तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा। एक गुण और है, वो गुण है कि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण यानी सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं आपके सामने एक समानांतर चतुर्भुज ABCD बना है और आपने ये प्रमाणित कर लिया है कि ये भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे आप AB और CD या DC को बराबर कह सकते हैं, वैसे DA और CB को भी बराबर कह सकते हैं। और ये समानांतर तो है ही है, यानी AB और DC समानांतर हैं, CB और DA समानांतर हैं। अब एक और गुण आपके सामने आने वाला है, अब वो ये है कि ये कोण A कोण C के बराबर होता है और कोण B कोण D के बराबर होता है। ये एक प्रमेय है, इस प्रमेय को सिद्ध करने के बाद इस परिणाम पे हम पहुँचेंगे, तब हमें एक और नई चीज़ समानांतर चतुर्भुज के बारे में मिल जाएगी जो उनके कोणों से संबंधित है। तो चलिए इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो हमको सिद्ध करना है उसे हम लिखेंगे, सिद्ध करना है कोण A बराबर सामने का कोण C, यानी ये कोण A इस कोण C के बराबर है। हम यहाँ पर कोण का पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि कोण A को आप कोण DAB कह सकते हैं और कोण C को आप कोण DCB कह सकते हैं। हम संक्षेप में लिख रहे हैं कोणों के नाम, आप समझिएगा इसको। और दूसरी चीज़, कोणों का दूसरा जोड़ा D और B भी आपस में बराबर है, यानी आप ये भी कह सकते हैं कोण B बराबर कोण D। तो ये हम सिद्ध करेंगे, क्या समानांतर चतुर्भुज में ये भी संभव है? तो चलिए देखते हैं। हमारे पास जो जानकारियाँ हैं वो आपके पास हैं कि AB और DC बराबर है और समानांतर भी है, उसी तरह से AD और BC भी बराबर है और समानांतर है। चलिए हम इन दोनों कोणों के बारे में बात करते हैं, कोण A और कोण D के बारे में बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि हम जान रहे हैं कि DC और AB दोनों समानांतर हैं और तिर्यक रेखा AD उन्हें काट रही है, तो कोण D और कोण A ऐसे कोण हैं जो तिर्यक रेखा की एक ही ओर बनने वाले कोण हैं। आप याद करिए, आपने पिछली कक्षाओं में इस तरह से समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा से काटा था और हर कोण के लिए आपने नाम निर्धारित किए थे। तो यहाँ ये जो कोण बन रहे हैं उन्हें हम कहते थे कि समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो तिर्यक रेखा की एक ओर बनने वाले अंतः कोण, इस नाम से इस जोड़े को हम जानते थे। और यदि ये दोनों का योग 180 अंश या दो समकोण है, उस स्थिति में हम कहते थे रेखाएं समानांतर हैं। इसका उल्टा ये है, यदि दोनों रेखाएं समानांतर हैं और तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है, तो तिर्यक रेखा की एक ओर बने दोनों अंतः कोणों के योग दो समकोण या 180 अंश होता है, यानी ये कोण और ये कोण 180 अंश होंगे, उसी तरह से इन दोनों कोणों के योग भी 180 अंश होगा। ये आपने पहले पढ़ रखा है। इस गुण का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे और हम बताएंगे, चूंकि AB और DC समानांतर हैं, लिखें हम चूंकि AB समानांतर DC और तिर्यक रेखा AD उन्हें काट रही है, AD तिर्यक रेखा है, तो ऐसी परिस्थिति में कोण A और कोण D का योग कोण A धन कोण D ये बराबर होगा 180 अंश, या आप इन्हें दो समकोण भी कह सकते हैं। अब ठीक इसी तरह से आप कोण D और कोण C के बारे में सोचिए। यहां पर दो समानांतर रेखाएं DA और CB हैं और तिर्यक रेखा DC उन्हें काट रही है,
उस स्थिति में कोण डी और कोण सी तिर्यक रेखा के एक और बनने वाले दो अंतःकोण हैं। तो आप फिर से इस बात को लिख सकते हैं, अब की बार आप लिखेंगे डी ए समानांतर सी बी, चूंकि डी ए समानांतर सी बी। अब इसको मिला के देखिए, हम बात कर रहे हैं डी ए यानी ये वाली भुजा और दूसरी भुजा सी बी, ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं और डी सी तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है। यहां लिखे हम कि डी सी तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है। इस स्थिति में कोण डी और कोण सी, ये दोनों जो कोण हैं वो तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोणों के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो इन कोणों के लिए आप लिख सकते हैं कोण डी धन कोण सी बराबर 180 अंश या दो समकोण। यह आपको दूसरा संबंध मिला। अब इन दोनों संबंधों पे आप जरा गौर करिए, यहां पर हम कह रहे हैं कोण ए धन कोण डी बराबर 180 अंश और यहां हम कह रहे हैं कोण डी धन कोण सी बराबर 180 अंश, यानी कि आप इन दोनों कत्थों में देख रहे हैं कि जो दाहिना पक्ष है वो 180 के बराबर है, इसलिए दोनों बाएं पक्ष भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो आप यहां लिख सकते हैं कि इन दोनों कत्थों के आधार पर कोण ए धन कोण डी बराबर, यहां से आपको मिलेगा कोण डी धन कोण सी। अब आप देखिए कोण डी समीकरण में दोनों पक्षों पे है, आप इसको हटा सकते हैं तो आपको अंत में मिलेगा कोण ए बराबर कोण सी। और देखिए आप जो सिद्ध करना चाहते थे उसमें एक परिणाम आपने पा लिया कि कोण ए अपने सम्मुख कोण सी के बराबर है। इस चतुर्भुज में आप देखिए आपने सिद्ध कर लिया कि कोण ए बराबर कोण सी। ठीक इसी तरह से आप कोण डी और कोण बी को भी एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं, इसको भी आप देख लें चाहें तो। आप सिद्ध करने जा रहे हैं कोण डी और कोण बी के लिए, तो एक संबंध आपको मिला है कोण ए धन कोण डी बराबर 180 अंश, दूसरा संबंध आपको लेना है कोण ए और कोण बी के लिए। तो आप इसको कह सकते हैं कि ए डी समानांतर बी सी के। और अब की बार इस तिर्यक रेखा की बात करी ए बी की, ए बी तिर्यक रेखा उन्हें काटती है। अब क्या हो रहा है देखिए, ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है, इसका मतलब कोण ए और कोण बी दोनों तिर्यक रेखा के एक और बनने वाले अंतःकोण हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप लिख सकेंगे कि कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश। अब पहले वाले कथन को देखिए, कोण ए धन कोण डी बराबर 180 अंश, और आपको ये तीसरा कथन मिल रहा है कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश। तो इन दोनों कथनों के आधार पर आप कह सकते हैं कि दाहिना पक्ष बराबर है इसलिए बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो आप लिख सकेंगे यहां पर कोण ए धन कोण बी बराबर कोण ए धन कोण डी। कोण ए दोनों तरफ है समीकरण में, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, हटा सकते हैं, अंत में आपके पास बचेगा कोण बी बराबर कोण डी। ये दूसरा कथन है जो आप सिद्ध करना चाहते थे, यानी आपने सिद्ध किया यहाँ पर कोण ए कोण सी के बराबर है और यहाँ आपने सिद्ध किया कोण बी कोण डी के बराबर है। तो इस तरह से आपने ये देखा कि यदि किसी चतुर्भुज में, जैसे हम समानांतर चतुर्भुज कह रहे हैं, तो दो शर्तें आपके पास पहली थी कि आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, एक चीज़ आपको इसके पहले मिली थी कि आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बराबर भी होती हैं, और आपको अब एक नई चीज़ मिल रही है कि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। यानी अगर ए बी सी डी आपका चतुर्भुज है तो ए के सामने का कोण सी ए के बराबर होगा और उसी तरह से कोण बी कोण डी के बराबर होगा। तो एक नई चीज़ आपके सामने है जो समानांतर चतुर्भुज के कोणों के बारे में बात करती है। तो बच्चों आपके पास तीन महत्वपूर्ण बातें हुई, आप इन्हें नोट करिए और इन्हें याद रखिए।